राधे 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 Thank you.
बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय। करके मालिक कौन है? करके पिताजी कौन है? ये भी है, मालिक ही है। और पत्नी यानी घर वाली कौन है? और ये बात है, वो बेटा है, वो बहू है पीछे। एक बेटा है ना? दो बेटे हैं। और एक बेटा? एक वो चंडीगढ़ है, जॉब में है। जब वही रहता है? अभी गया हो। शादी हो गई? नहीं शादी नहीं, अभी अभी छोटा है। हाँ। तो शादी लायक तो हो रहा अभी, मगर जब तक जॉब ना लगे जब तक क्या शादी। हाँ ठीक ठीक, अच्छा बहुत अच्छा। अभी जब लग गई ना? अभी लगी। हाँ जी, अभी गिरिराज की कृपा से लगी। गुरुदेव गिरिराज की परिक्रमा बोली थी। हाँ। तब लगी। हाँ, गिरिराज की परिक्रमा बोली थी ना। हाँ जी हाँ जी, करवाएंगे। हाँ, गिरिराज का आशीर्वाद। बोले गिरिराज महाराज की जय। हाँ बैठ जाओ। हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज घर में संत लोग आए, घर में प्रभु की कीर्तन कथा हो रही है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह से गोलोक भाई। इसका मतलब है, जिस दिन घर में संत लोग आए, घर में हरि चर्चा हो, घर में हरि कीर्तन हो, कहते तो घर घर नहीं पते गृह से गोलोक भाई, मतलब अब का घर ही गोलोक वृंदावन बन गया है। और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, शास्त्र कहता है उस घर में सब तीर्थ आ गए। घर में बैठे बैठे करके समझो हमने सारे तीर्थ में यही प्रभु स्नान कर लिया। बल्कि शास्त्र कहता है तीर्थों में स्नान करने से भी ज्यादा महत्व है जब हम भगवान की कथा रूपी सत्संग में स्नान करें। क्योंकि तीर्थ में जाओ स्नान करो, स्नान करके थोड़ी सी पाप तो दूर हो जाती है, फिर घर में आकर के ना फिर वही झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। जैसे एक हाथी को स्नान कराओ, हाथी कब तक पवित्र रहता है? जब तक वो स्नान करता है। वो स्नान करके जब फिर ऊपर आता है ना, फिर धूल करके पर करके उड़ाएगा, फिर जाकर कहीं जाएगा। हाथी का ये स्वभाव है। इसलिए कहते हैं तीर्थ जाने से तीर्थ करने से पाप तो थोड़ी दूर होता है, लेकिन वो हाथी स्नान जैसे। लेकिन अगर भगवान की कथा रूपी सत्संग में स्नान कर लो तो ये हमारे हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। हैं कि जब तक हम सत्संग नहीं करते ना, तब तक हमारी विवेक नहीं होता है, और जब तक राम की कृपा नहीं हो तब तक ये सत्संग भी नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर जीवन में सत्संग हो गया ना, समझो सब कुछ हो गया है। हनुमान का नाम सुने हो? कहा है हनुमान जी? हाँ देखो, ये हनुमान जी जब उन्होंने लंका में माता सीता को ढूंढने गए, तब लंका में प्रवेश करना चाह रहे थे, वहां पर लंकिनी थी। हनुमान जी सोच रहे थे स्त्रियों से लड़ाई करके क्या लाभ है, अपना काम निकाल लेना ये बुद्धिमान का काम। इसलिए हनुमान जी छोटे बन करके घुसना चाह रहे थे। इतने में लंकिनी की नजर पड़ गई, बोले कौन हो तुम, मेरे आंख में धूल देकर कहां घुसना चाह रहे हो? हनुमान जी सोचा पता नहीं स्त्री से लड़ाई हो गई। अभी हनुमान जी फिर तो अपना विकराल रूप धारण किया, एक मुक्के मारे तो छक्का छुड़ा दिया लंकिनी की। लेकिन हनुमान जी संत है ना, कहते संत भी एक थप्पड़ भी मार दे हमें, अभी कोई मार भी देना उसमें भी हमारा कल्याण हो जाए। केवल हनुमान के मुक्का खा करके उसकी बुद्धि बदली गई। वो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, सकल मिली समान नहीं जो एक लव साधु संग। वो कहते हैं कि तराज लो, तराज का एक तरफ में स्वर्ग अपवर्ग सुख, मतलब स्वर्ग में कितना आनंद है, कहते यहाँ पर जितने आनंद है स्वर्ग में इससे 100 गुण ज्यादा आनंद है। 100 गुण जगत में हम जितने थोड़ी सी खाओ पेट भर जाएगा, थोड़ी सी भोग कर और भोग करने की हमारी ताकत नहीं रह जाएगी, लेकिन स्वर्ग में ऐसे नहीं है।
वहाँ कोई मरते नहीं, कोई जन्म नहीं लेते, कोई बूढ़ा नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होते, इससे 100 गुण ज्यादा आनंद कहाँ पर? स्वर्ग। कितना समझो कितना आनंद होगा। बोले मोहलोक में उससे 100 गुण ज्यादा, बोले तपलोक में उससे 100 गुण ज्यादा, बोले सत्य लोक में उससे 100 गुण ज्यादा। लेकिन उसको जो ऊपर जो ब्रह्म लोक है, कहते आनंद की सीमा नहीं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये स्वर्ग से लेकर के मरते जगह से लेकर स्वर्ग तक, स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने आनंद है उसमें जितना आनंद, तराजू का एक तरफ में धर दो और दूसरे तरफ में सत्संग की जो एक लव का सूप को धर दो। बोले एक लव कहते हैं किसको? आपको पता है एक लव किसको कहते हैं? एक लव कहते हैं जिसे एक सेकंड हो गया, एक सेकंड को 11 भाग करो उसका जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर इतना समय, इतने कम समय में सत्संग में जो फल लाभ होता है, ये सारे आनंद को मिला करके भी बराबर नहीं हो सकता है। इतने महिमा सत्संग की ये कौन कह रही है? ये लंकिनी कह रहे हैं। बोले क्यों कह रहे हैं? बोले हनुमान की मुक्का खा करके, हनुमान जी की मुक्का खा लिया ना, उसकी बुद्धि सुधर गई, उसका बुद्धि बदल गई, उसकी बुद्धि मतलब इतने महिमा साधु संघ की, इतने महिमा साधु संघ की है, हैं? इसलिए जब राम, जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका में पहुंचे, हैं? लंका में पहुंचे तो इतने में वो लंका में उतरना चाह रहे थे, हठात उन्होंने देखा कि तुलसी की बगीचा है। बोले लंका में तुलसी की बाग कैसे आ गए? तुलसी का बाग तो किसी संतों के घर में होता है। फिर जब नीचे उतरे देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ? बोले अरे ये तो सारे मेरे प्रभु का ही लक्षण है, लगता है मेरे किसी भक्त का घर है। हाँ, तभी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया ये बताओ कहाँ लंका है जहाँ पर नरभ की राक्षस लोग रहते हैं, रावणपुरी में, फिर विभीषण कैसे राम का नाम कैसे लिख दिया? इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दिया है, बड़ी अच्छी शिक्षा दिया विभीषण ने। किसने जा करके रावण से चुगली किया, बोले तू तो राम को अपना शत्रु मानते हो लेकिन राम के सबसे बड़े भक्त तेरे घर में। बोले मेरे घर में? बोले कौन? बोले तुम्हारी सगे भैया। बोले पता कैसे चला? बोले देख, जाकर देख घर के सामने क्या लिखा हुआ। हे रावण भागते भागते आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम। बोले विभीषण इधर आ। बोले क्या बात भैया? बोले राम तो मेरे शत्रु, मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया? बोले कहां पर? बोले क्या लिखा तुमने? श्री राम। बोले श्री राम कहां? ये तो मैं अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ, उनका नाम लिखा हुआ। बोले कैसे? बोले आपका नाम क्या? बोलो। बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या? बोले रा। बोले आपका पत्नी का नाम की, भाभी का नाम? बोले मंदोदरी। बोले उसका पहला अक्षर क्या? म। बोले क्या हो गया? श्री राम। रावण और मंदोदरी, रावण तो खुश हो गया। हाँ, देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो दुनिया है ना बड़ा विचित्र दुनिया है, अच्छे तरह से शिक्षा लो। अगर बेटा अगर सिगरेट पीता है ना, शराब पीता है, बोले वेरी गुड, बेटा तो शराब सिगरेट पी रहा है। अगर बेटा अगर गले में थोड़ा कंठी धारण कर ले, थोड़ा माला अब तिलक लगाए, बोले ये उम्र कोई तेरे भजन करने का? अभी से क्या भजन भजन कर रहे हो, गले में कंठी तिलक क्या लगा दिया? लेकिन शराब पीता, सिगरेट फूकता, लड़कीबाजी करता है, लेकिन उसमें कोई बुरा नहीं है। ये कलयुग है ना, बड़े गड़बड़ी जगत में, इसलिए भागवत में बताए, कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य चुपद्रुता। ये जो कलयुग का जो लोग है ना, बुद्धि इतने भ्रष्ट बुद्धि इनकी है, इतने गड़बड़ी बुद्धि इनकी, जो सोच भी नहीं सकते, मंद नहीं बहुत ही मंद है, बोले बहुत ही मंद नहीं बड़े दुर्भाग्य कलयुग का जीव है। गलत रास्ता पर जाए कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर सही सत्संग करे, भगवान की भजन करे, सारी विपद वहीं पर। मीरा ने जब भगवान की भक्ति की, उसका पति भी विरोध हो गया, देवर भी विरोध हो गया, सास भी विरोध हो गई, ननद भी विरोध हो गई, यहाँ तक भी राज्य के लोग उसके विरोध हो गई, एक कुत्ता भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। ये क्या संतनों के साथ में ये क्या कर रहे? राज रानी होकर नाच रही, गा रही है, क्या सब कर हो रहा है? क्या क्या हमारे घर में हो रही है सब? लेकिन जगत में देखो नाम हो रही तो किसकी नाम हो रही जगत में? मीरा के नाम हो रही ना, जो विरोध कर रहे थे उनको थुत्कार करते थे। बोले मीरा को विरोध करते तो भजन करने वाली है, भजन करने वाली। इसलिए कभी कभी भगवत भजन में बाधा थोड़ी आती है,
लेकिन उसकी भ्रूक्षेप नहीं करनी चाहिए, हैं? भगवान की भक्ति में हर समय बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इतने में रावण, हमारे हनुमान जी सोच रहा था, फिर घर को सामने लिखा हुआ था श्री राम। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो जो घर का नाम है ना, अपना नाम पर नाम मत रखा करो, ठाकुर का नाम पर रखो, क्योंकि किसकी कृपा से सब कुछ मिला बोलो, किसकी कृपा से? ठाकुर की कृपा से। जैसे अपने यहाँ हनुमान जी लगाए घर, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आप लोगों को, ताली बजा आप लोगों के लिए, ये आपने घर के सामने से हनुमान जी भगवान के भक्तों का अपन यहाँ पर लगा करके रखे हो, हैं? इसलिए लगा करके लोग, इसलिए क्या करनी चाहिए, घर के सामने ठाकुर का नाम, घर का नाम ठाकुर का नाम धरा, राधा कृष्ण भवन, राधा रानी निकुंज मंदिर, राम भवन, कृष्ण भवन, ठीक है ना। सच दिया तो उन्हें नहीं ना, उसकी कृपा से तो सब कुछ मिला है, हैं? उनकी कृपा से हमें सब कुछ, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, ठाकुर का आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है, हैं? इसलिए उन्होंने देखे, फिर हनुमान जी सोच रहे ऐसे नहीं है, मेरे को भ्रमित करने के लिए कोई तुलसी का वृक्ष, कोई राम का नाम तो नहीं लिख दिया, और शंखा चक्र गदा पद्म चिन्ह था, बोले अंदर में थोड़ा घुस करके देखता हूँ। जब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश किया, देखा हुआ विभीषण सोया हुआ था, और जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, जिसकी रोम रोम से राम की नाम निकल रहा था। इतने में समझ गए ये भगवान की प्यारे भक्त है, क्योंकि किसी कपट व्यक्ति की रोम रोम से कभी प्रभु का नाम कभी निकल नहीं सकता। किसकी रोम रोम से प्रभु का नाम निकलेगा? जो संपूर्ण प्रभु की भजन में डूबा हुआ हो, तभी किसकी रोम रोम से प्रभु का नाम तब भी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ गए ये भगवान की भक्त है, सचमुच से भक्त है ठाकुर जी का। हनुमान जी बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, खटखटाए तो श्री विभीषण बाहर निकले, फिर आपस आपस में इनके अंदर में है वार्तालाप हुई, फिर विभीषण को पता चला कि जो हनुमान जी कौन है, ये प्रभु राम की एकांत भक्त है, और विभीषण भी राम की भक्त है, हैं? विभीषण भी राम के भक्त है, इसलिए बोले चार मिले चौसठी खिले, बीस रहे कर जोड़, हरी जन से हरी जन मिले वहां से एक कर। जब एक शराबी शराब मिलते ना, बड़े खुश हो जाते, क्यों दोनों ही पीने वाले हैं, जो गंजड़ी गंजड़ी मिले वो बड़े खुश होते, दोनों ही गंजा पीने वाले हैं, लेकिन जब संतों से संत मिले ना खुश होते, क्यों? आपस में हरी चर्चा होगी, प्रभु की चर्चा होगी, संत संत को तो प्यार करते हैं ना, इसलिए बोले चार मिले चौसठी खिले, मतलब चार मिले मतलब इनकी दो आंख और उनकी दो आंख, कितना आंख हो गए बोलो, कितना हो गए? चार। जब चार मिले बोले चौसठी खिले, चौसठी खिले मतलब होता है दांत, हमारे कितना दांत है? बत्तीस दांत, दूसरे के बत्तीस दांत। जब एक संत संत से मिलते हैं बड़े प्रसन्न होते, हंसते हंसते कि नहीं, हाँ। फिर बोले बीस राय कर जोड़, एक संत जो संत से मिलते हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, हमारे कितना, एक व्यक्ति का कितना उंगल होता है? दस, दूसरा का, दूसरा की दस कितना हो गया? बीस। बीस रहे करो जोड़, कहते हरी जन से हरी जन मिले वहां से एक कर, मतलब जब एक संत संत से मिलते हैं इनके रोम रोम खिल उठता है। कहते एक व्यक्ति का शरीर में कितने रोम रोम है, कहते वहां से एक करोड़, मतलब एक पचास लाख, पचास लाख और पचास लाख कितना हो गया? एक करोड़। बस रोम रोम खिल उठे जब दोनों से दोनों मिले, प्रसन्न हो गए, आज भक्तों से भक्त मिला है। लेकिन जब विभीषण को पता चला हनुमान जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है, लेकिन विभीषण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बोले आज मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता है। यहाँ पर कहते जो रघुवीर मोहि अनुग्रह किनी, तो मोहि दर्श हटे, लगता है हमारी संसार का दुख कष्ट खत्म हो गया, अभी ठाकुर मिलने वाले, जल्दी जल्दी भगवान का दर्शन होने वाले, लगता है मेरे ऊपर आज प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हुई। क्यों? मैं कभी भी सोच नहीं सकता था चारी तरफ में जहाँ राक्षस राक्षस लोग हैं, अब रामायण तो सुने होंगे ना, इतना आसानी नहीं था हनुमान जी को प्रवेश करना अंदर में, वो हनुमान है इसलिए प्रवेश किया है, हैं? इसलिए आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते रात को
कितने कष्ट से उन्होंने विभीषण से मिले हैं, अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन चार तरफ में नरभक्ष राक्षस सबके सब, और उसको बीच में जैसे 32 दांत को बीच में जैसे ये जिह्वा रहती है ना, कहते उसी तरह वो तो उसके अंदर में ऐसे रह रहा था, लेकिन उसको बीच में भगवान की प्यारे भक्त हनुमान का मिलना कोई साधारण बात नहीं था। इसलिए कहते हैं जो रघुवीर मोय अनुग्रह की लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हो गई तभी आपसे हमारी मुलाकात हो। इसका मतलब है राम जल्दी मिलने वाले, भगवान राम हमें जल्दी मिलने वाले। देखा प्रभु राम मिल गए विभीषण को, मिला कि नहीं? मिले हैं राम, लेकिन जब राम मिल गए ना, अभी रावण को मारे ही नहीं, रावण को भी मारे ही नहीं, भगवान राम ने राज तिलक लगा था। रामायण देखे होंगे भगवान राम के, लंकेश क्या बोलते हैं, लंकेश। विभीषण बोले प्रभु लंकेश, मैं लंकेश तो रावण है, लंकेश रावण है, मेरे को अपने लंकेश कैसे बोल दिया? बोले जब मेरे शरण में जब कोई एक व्यक्ति आ जाए, केवल मेरी शरण में जब कोई व्यक्ति आ जाता है ना, उसको सब कुछ दुख कष्ट उसकी खत्म हो जाती है, केवल शरण में आने पर ठाकुर जी के शरण में, इसलिए लगके से बोल दिया। वह भी था सुग्रीव, बोले प्रभु अब तो रावण को अभी तक तो मारे ही नहीं, अब पहले ही लगके से घोषित कर दिया, अगर हो सकता है 1% अगर रावण आपका शरण में आ जाएगा तो फिर आप रावण को क्या दोगे? अब तो विभीषण को लंके से बोल दिया ना, लंके से हो गया ये, फिर उसको क्या दोगे? बोले कोई चिंता नहीं, मैं अपना अयोध्या दे दूंगा रावण को। बोले अयोध्या तो भरत को देकर के आया, अभी भरत अयोध्या के राजा, अब भरत को क्या दोगे? बोले अपना वैकुंठ दे दूंगा। बोले भरत को वैकुंठ दे दिया और रावण को दे दिया अयोध्या, विभीषण को दे दिया लंके, फिर आप कहा रहोगे? आपको रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना। देखो ठाकुर जी कितने बड़ी बात करते हैं, आपका घर में जो सत्संग हो नहीं ना, ये सत्संग की महिमा है। भगवान खुद कहते हैं, ठाकुर जी को किसी ने पूछा प्रभु कहाँ रहते हो, भगवान खुद कहते हैं बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हो? बोले जहाँ मेरी सत्संग होता है, जिस घर में मेरी सत्संग होती है मैं वहीं पर रहता हूँ। इसका मतलब आप घर में सत्संग हो रही ना, आपका घर में ठाकुर जी आ गए, इसलिए कितना मंगल हो ना, अमंगल हर जिस घर में सत्संग कीर्तन हो, घर का सारे अमंगल वहां से भाग जाती है, सारे मंगल मंगलमय वहीं पर आ जाती है। समझ रहे कि नहीं? हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अभी प्रश्न होता है, अच्छे तरह सुनो, प्रश्न होता है अपना घर हर समय, आज तो संत लोग आए कीर्तन कथा हो गई घर वृंदावन बन गया, इसलिए नियम है हर समय अपना घर को वृंदावन बनाकर ही रखो, घर को वृंदावन बनाकर के हर समय रखो। बोले घर वृंदावन कब बनेगा? जब घर में सबके सब कीर्तन हो, भगवान की सत्संग हो, भगवान की कथा हो ना, तभी घर ही वृंदावन बनकर रहेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, घर में रोज भगवान के कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की आरती करो, ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को रोज भोग लगे, ठीक है ना। भोग लगाते कि नहीं सबके सब? लगाते है ना, लगता है घर में भोग। प्याज लहसुन नहीं खाते हो? ये घर का मालिक कौन है? आप क्यों बोल रहे हो? आप मालिक को भी पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, इसलिए आज संत आए ना, उसी दिन मैंने माता जी को सुनाया ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए। कारण है जो प्याज है ना, ये गैया मांस से बना है, ये गो मांस से बना है। पुराण में कथा आती है, पहले ऋषि मुनि लोग गैया पालते थे, कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी उसको बलिदान देते थे, फिर मंत्र पढ़ते थे गैया फिर जवानी हो जाती थी, कोई गैया बूढ़ी हो गई उसको बलिदान दिया, सबके हाथ में मांस दे दिया। हर घर के व्यक्ति रहते हैं, किसने रात में छुपा दिया मांस को छुपा दिया, लेकिन जब अग्नि कुंड से मंत्र पढ़े फिर वो एकदम जवानी बनकर प्रकट हो गया। लेकिन जिस अंग का मांस को छुपाया वो घाव बना हुआ भरा नहीं, ऋषि ने अभिशाप दे दिया। तो जहां पर ये गोमा ये मांस को डाल दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी, प्याज जैसे लाल लाल रंग के
जैसे मांस जैसे लाल रंग के प्याज भी लाल बनेगा, जैसे मांस से बदबू आती है प्याज में भी बदबू आएगी। अब देख लेना, अगर कच्चा प्याज खाओ ना, कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू मारती है, बदबू आती नहीं मुंह से। इसलिए यहाँ प्याज काट तो पता चलता है प्याज कहीं कट रहे कि अब कहीं प्याज है। इसलिए जहां पर उसकी हड्डी गिरा वहां लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून का बूंद गिरा वहां पर मसूर डाला हो गया। इसलिए इसलिए देखना नवरात्रि में कोई भी प्याज लहसुन को कोई खाते नहीं है। इसलिए क्या करो, प्याज लहसुन को नहीं खानी चाहिए। घर में जो बना ठाकुर जी को भोग लगाए, ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को हरिनाम करो, कीर्तन करो, बस भगवान का धाम ही घर बन गया, भगवान की धाम बन गया, ठीक है ना। और विशेष करके ये कलयुग में है, भगवान ने ये कलयुग में सबसे सरल उपाय भगवान ने रखा। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का कलयुग में जरूरत नहीं। बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे परा। कलयुग में भगवान बोले ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल भगवान की नाम जप करने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय रखा है, सबसे सरल उपाय रखा। इसलिए भगवान खुद कहते हैं बोले हरि नाम करने से क्या होगा, बोले हरि नाम करने से सात फल की प्राप्ति होगी। कितना फल की, अभी मैं बोलूंगा, बाद में आपसे सुनूंगा, मैं पूछूंगा किसको किसको याद, अच्छे तरह से याद कर। भगवान खुद कहते हैं, क्योंकि भगवान की जो नाम की महिमा है ना, ठाकुर जी को ही पता है। बल्कि यहाँ तक गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम न सखई नाम को नगाई, कहाँ कहूँ लागे नाम बड़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भैया प्रभु के नाम की हम क्या महिमा बताएं, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा, नाम भगवान को भी नहीं बोल सकते इतने नाम की महिमा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर नाम की महिमा खुद कह रहे हैं, नाम करने से तुम्हें सात फायदा होगी। कितना फायदा होगी, अच्छी तरह सुनना, फिर मैं पूछूंगा क्या याद किया है। बोले पहला लाभ है बोले चेत दर्पण मार्जनम। उदाहरण दिया जैसे शीशा है ना, अगर बहुत दिन से अगर शीशा में धूल जम गया, अगर मुंह देखे देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, धूल जम गया है। कहते हमारे हृदय में भी भगवान को अनादि काल से भूल करके संसार से आए, हृदय में एकदम धूल धूल जम गया हमारे हृदय में, इसलिए भगवान की याद नहीं आता है। आप बैठो भगवान की याद करने के लिए, बस बैठ याद करते ही मन कहाँ कहाँ चले जाएगा, कहीं दुकान में, कहीं मकान में, कहीं गोलगप्पे का दुकान में, कहीं सिनेमा में, कहीं यार दोस्त में मन घूमते रहेगा। क्यों, कारण क्या है, हमारे हृदय में धूल जम गई है, इसलिए भगवान की स्मरण नहीं आता है। अभी जैसे कपड़ा में धूल जम गए, कपड़ा मैला हो गया था, हम साबुन से उसको घिस करके साफ करते हैं। अभी तुम्हारे जो दिल में जो धूल जम गया उसको कैसे साफ करोगे, भगवान खुद कहते हैं बोले चित दर्पण मार्जनम। अगर चित्र भी दर्पण को मार्जन करना, साफ करना चाहते हो, ये जो हरे कृष्ण बोले मेरे साथ में, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम करने का ये पहला लाभ। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम। उन्होंने उदाहरण दिया ये जो संसार है, हैं बोले भव महादावाग्नि, भव मतलब होना, पुनर्भि जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। भगवान तो अभी कृपा करके हमें इंसान का जीवन बड़े कृपा करके ठाकुर दिए हैं, लेकिन हमें पता नहीं पहले जन्म में कौन सा पशु पक्षी जानवर का जीवन में गए। अगर कहीं मुर्गा बने तो सीधा गले को निचोड़ करके खा लिए, मुसलमान लोग, हिंदू भी खा लेते हैं। बकरी बने तो सीधा टांग लटका करके, देखना बाजार में बिकता है ना, चमड़ा उतार लिए है। कभी अगर गैया बन करके, कभी अगर मुसलमान के पास में पहुंच के सीधा मशीन में लेकर मशीन चला देते हैं, बड़े बुरे तरह से मारते हैं। सूअर को तो ऐसे मारते हैं जो सोच भी नहीं सकता। हमने अपना गांव के पास में देखा, हाथ पैर को बांध करके लोहे की रड को गर्म करके सीधा पीछे से घुसाड़ देते हैं,
इतने जोर से चिल्लाता था, हमारे गांव को सुनाई पड़ता था, पता चलता था कि सुअर को मार रहे हैं। और कभी हाथ प्यार बात करके उबलते हुए खौलते हुए पानी में सीधा डाल देते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे ऐसे ऐसे जीवन बिता है उसको बाद में हमें ये मानव शरीर भगवान दिया है। इसलिए भगवान कहते बड़ी भाग मान सतन पावा, इसको साधारण मत समझो, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी हमें दिए हैं, कोहिनूर हीरे दिए। ये जो संसार में दुख कष्ट है, तरह तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तरह तरह से जो संसार में जो दुख कष्ट है, कहते दुख कष्ट खत्म कैसे होएगा? भगवान के हरि नाम करो, ये हरि के नाम से ही समस्त दुख कष्ट सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया है। कहते निर्वापनम, निर्वापनम मतलब क्या? जैसे कहीं आग लगी हुई अगर कहीं बुझ गया, फिर दो बार तो आग लग सकती है, है? लेकिन अगर कोई भगवान के नाम कोई जप करते हैं, बोले ऐसे ये आग बुझ जाएगी, मतलब ऐसे समस्त दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, फिर जगत में फिर दो बार तुम्हें संसार में आने का जरूरत नहीं, फिर दो बार कभी कष्ट ही नहीं होगा। हनुमान जी को देखो, दिन भर क्या करते हैं, किसका नाम लेते हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अपना दुख तो दूर किया है, हम कहते ना महावीर जब नाम सुना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अपना दुख तो दूर किया, दुनिया का दुख भी दूर करते हैं हनुमान जी, किसके नाम पर? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सो मेरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राख राम। केवल एक ही कारण है, केवल भगवान के नाम को स्मरण और कुछ नहीं, केवल प्रभु का नाम ही जप करके दुख को दूर करते हैं, ठीक है ना? इसलिए दूसरा लाभ क्या है? समस्त दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। उदाहरण दिया, हमारे जो हृदय है एक फूल है, कुमुदनी फूल है, जो रात में चंद्रमा का किरण से ही खिलता है, लेकिन हमारे जो हृदय है ना फूल, वो बंद हुआ हुआ है। मतलब क्या? आनंद हमें मिलनी चाहिए लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी दुखी। लेकिन हम है कौन? हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश है हम, और अमृत से पुत्र हम भगवान की संतान है। जैसे भगवान में आनंद है, उनकी पुत्र होने का नाते हमें भी आनंद प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वो आनंद हमें नहीं मिल रहे। बोले आनंद मिलेगा कैसे? तब उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर जैसे ये फूल खिल जाती हैं, उसी तरह भगवान के नाम रूपी जब ये चंद्रमा हृदय रूपी फूल को पर गिरेगा ना, तुम्हारी हृदय खिल जाएगी, हृदय तुम्हारी खिल जाएगी, मतलब आनंद में है, आनंद में डूब जाओगे। जैसे अभी हरि चर्चा हो रही है, हरि का नाम हो रही है, आनंद आ रही है कि नहीं? क्यों? भगवान का नाम कीर्तन कथा कर, तभी तो आनंद आ रही ना, है तभी तो आनंद आ रही है। इसलिए कहते भगवान के नाम करोगे तो हृदय खिल जाएगी। बोले चौथा लाभ क्या है? बोले विद्या वधु जीवन। उदाहरण दिया, ये जो विद्या है ये एक बहू है, लेकिन ये विद्या रूपी बहू के जीवन किया, बोले भगवान का नाम। इसका तात्पर्य यह है, हमने जो इतने लिखाई पढ़ाई किया, एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ये विद्या मतलब क्या? विद मतलब हो जाए जानना। किसको जानना? बोले भगवान को जानना। मतलब अगर पढ़ाई करके अगर तुमने भगवान की भजन कर दिया ना, समझो तुम्हारी विद्या तुम्हारी सार्थकता होगी। अगर सारा दुनिया की तुमने डिग्री फिग्री सारा दुनिया को की, लेकिन भगवान की भजन ही नहीं किया, बोले भैया अंतिम में जीरो तुमको मिलेगा। भले ही तुम जितने पढ़े लिखो क्यों नहीं हो, लेकिन अंतिम समय जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? कोई बोलेगा तुम्हारी इंजीनियर सच्चा है, कोई बोलेगा तुमने सीए किया सच्चा है, कोई क्या बोलेगा तुम्हारी डॉक्टरेट सच्चा, कोई बोलेगा? अंतिम समय में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। जितने पढ़ाई लिखाई जो कुछ किया है, सुई धागा भी यहां से नहीं जा रहे हैं, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और जितना इधर इकट्ठे किया ना सब एक छोड़ कर जा रहे हैं, सबके सब कुछ भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही है। इसलिए प्रभु का नाम ही तुम्हारे साथ में जा रही है। इसलिए कहते हैं विद्या पढ़ने का तभी सार्थकता है। इसलिए मीरा कहती है, कहते क्या वेद पढ़ पढ़ मुआ भय पंडित बनाना कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़ा सा पंडित सोई।
कहते सारी दुनिया वेद पुराण पढ़ करके, कहते भैया पंडित कोई नहीं बने, पंडित कौन बोले, जो प्रेम जो ढाई अगर किसी ने अगर पढ़ लिया ना, पंडित असली पंडित वही है। इसलिए कहते विद्या की तभी सार्थकता जब भगवान की भजन करोगे, नहीं तो विद्या विद्या से विद्या अविद्या बेलो, वो विद्या अविद्या के कारण बन जाएगा, ठीक है ना। और पंचमा लाभ क्या है, बोले आनंद बुद्धि वर्धनम। अच्छे तरह से सुनो, भगवान के नाम से कहते आनंद रूपी जो समुद्र है हर समय बढ़ते रहेगी। लेकिन जगत में देखना कोई भी चीज हर समय आनंद नहीं देता है। जब शादी करते हो ना, क्या लगता है, पत्नी सबसे पहले लग गया ये तो चंद्रमुखी, स्वर्ग में आकाश में एक चंद्र, हमारे पास में एक चंद्र, लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर सूरजमुखी, कुछ दिन बाद फिर ज्वालामुखी होकर के भड़कती है, फिर तो लड़ाई झगड़ा, एक बोले दो सुनाए, दो बोले चार सुनाए हैं। इस जगत में जैसे लव मैरिज करके जब शादी करते हैं, कहते आई लव यू, लेकिन कुछ दिन बाद में कहते आई लीव यू, हम तुमको छोड़ रहे हैं, कुछ दिन बाद आई कील यू, फिर कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स के लिए चक्कर लगाते हैं। क्यों, वो तो चंद्रमुखी थी, और चंद्रमुखी ज्वालामुखी सूर्यमुखी कैसे बन गई। जगत एक कोई भी चीज को जब पहले नया घर बनाओ ना, बढ़िया नया घर क्या बनाया, कुछ दिन बाद में रहने का बता रहे हो ही सब, कोई बढ़िया रसगुल्ला एक बार खाओ कैसे है, बढ़िया है, दो बार खाओ दो खाओ बोला ठीक है, तीसरा हाँ अच्छा, चौथा बोले और नहीं, अगर चौथा खा लिया ना पंचमा में उल्टी कर दोगे, फिर इसको उल्टी कर दोगे, खा नहीं पाओगे। बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया कैसे है, क्या गजब है, हाँ क्या सिनेमा बनाया, दो बार बैठ जाओ, तीन बार चार बार फिर पांच बार बैठ सकते हो, बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते उस चीज को, जो न्यूज पेपर आता है एक दिन पढ़ने के बाद दूसरे दूसरे फेंक देते हैं, उसको पढ़ते नहीं जगत। इसका मतलब ये संसार का कोई भी चीज देखना वो हर समय के लिए आनंद तुम्हें नहीं देता है, हर समय घटती है। लेकिन भगवान का भक्ति देखो, जैसे घर में कोई भगवान की जैसे है रामचरितमानस कोई सुंदर कांड पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई जो पढ़ते हो रोज उसको पढ़ रहेगी, नहीं पुरानी लगती है तुम्हें, नहीं ठाकुर घर में तुम्हारी घर में ठाकुर जी जब जब देखो उसको नया लगता है कि नहीं, नया लगता है, नहीं जब देखो ठाकुर जी नए लगते हैं। इसलिए कहते हैं भैया भगवान की जो नाम है ना ये हर समय तुम्हें नई नई लगने वाले हैं, ये कभी पुराना होने वाले नहीं। इसलिए कहते प्रति पदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रति पद पद में ये तुमको पूर्ण आनंद देने वाले प्रभु का नाम है। बोले सर्वात्म स्नपनम, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण रूप में भगवान की रस में तुम डूब जाओगे, उसमें डूब जाओगे एकदम भगवान की भक्ति में है। इसलिए बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन, इसलिए बोले जगत में भगवान का जो नाम संकीर्तन है हर समय क्या हो, जय जयकार हो प्रभु का नाम की। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम को क्या करना, हरिनाम करना, ठीक है ना, माला में सबके सब हरिनाम करना, सबके सब लगता है करते हो आप लोग, करते हैं ना, कौन कौन करते हो, वो तो करती है मामी जी, माला ले गई थी आपसे पिछले साल ना, बाबा भी करते हो ना, माला ली थी लेकिन ये माला पे नहीं, उंगलियों पे करते हैं वैसे, बट नहीं नहीं देखो माला में करनी चाहिए, देखो अब चीज को समझो माला में क्यों करनी चाहिए, अच्छे तरह समझ लो है ये, माला देखो भगवान खुद कहते हैं, भगवान जब जीवों को माला दिया, मैं ठाकुर जी स्वयं कह रहे बोले तुमको मैंने ये हरि नाम दिया, ठाकुर का नाम दिया है, इसको नियम से जपा करो, जैसे खाते भी नियम से, सोते भी नियम से, काम करते से नियम से, जब ये जिन नष्ट होने वाले वस्तु को नियम से करते हैं, और जो साथ में जाएगा उसको क्यों नियम नहीं करे, जो काम की वस्तु तो कहते कोई जरूरत है, नियम की जरूरत नहीं, और जो बिना काम के उसको नियम से करते हैं, हाँ देखो नियम से क्यों करनी चाहिए, भगवान खुद कहते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है रोज बोल कर ही जाता है मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, स्कूल का नाम लेकर जाता है, लेकिन बच्चों को साथ में ना है मैदान में खेल कूद करके मस्ती लेकर शाम को वापस आ जाता है, कहता मैं रोज रोज स्कूल जाता हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाता है, घर से पकेट का खर्चा भी ले जाएगा है सब कुछ, लेकिन पढ़ता नहीं, लेकिन पता कब चलेगा ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जब एग्जाम होगा, जब एग्जाम होगा ना उसने कितने मार्क लाया है उससे पता चलेगा इसने कितने
पढ़ाई की। तो उसी तरह हम भजन करते हैं, लेकिन हमारे भजन बढ़ रही ना भजन घट रही है ये पता कब चलेगा? ये माला से। इसका नाम माला क्यों है? माँ मतलब मन, ला मतलब लय आया। जैसे कि जोधा युद्ध करने के लिए जब जाता है वो खाली हाथ से नहीं जाता है, अस्त्र शस्त्र को लेकर के जाता है, तभी तो युद्ध करके किसको परास्त करेगा ना। उसी तरह हम माया में, माया के साथ में हम युद्ध कर रहे हैं। अब देखो माला लेकर जब बैठते हो लगता है नहीं हम प्रभु की भजन कर रहे हैं, उस समय क्या करो मन को ठाकुर के चरण में लगाओ। लेकिन वैसे करते हो मन यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, हाँ किसी तरह से कर रहे हो कि नहीं कर रहे पता नहीं। इसलिए जितने संत हुए माला में क्यों किए हैं, संत लोग माला में क्यों करते, कारण है कदी यही अस्त्र शस्त्र है माया को जीतने के लिए, तभी तो संतों ने माला में किए ना। इसलिए नियम है, महाप्रभु भगवान स्वयं कहते यह जप गया सबे करिया निर्बंध, मैंने जो तुमको नाम दिया इससे तुमको सर्वसिद्धि मिलेगी, लेकिन इसको नियम से करो है, बिना नियम से नहीं करनी चाहिए। नियम से हर काम को जब नियम से करते हैं, भगवान की भजन ही बिना नियम है, और सारे जो झूठे चीज उसको नियम से कर रहे हैं, इसलिए नियम से करनी चाहिए। ठीक है ना, सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर के सामने बैठो और बैठ करके भगवान की नाम को जप करो, फिर दिन भर अपना काम करो। जो काम नहीं, भक्त लोग तो काम करते नहीं, भगवान की सेवा ही करते, जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। ठाकुर जी की पैसा कमाओ, पैसा लक्ष्मी है, ठाकुर की सेवा के लिए कमा रहे हैं। रसोई बनाती हो क्यों? ठाकुर को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगाते हैं क्यों? ये भगवान ने मंदिर कर दिया है, ठाकुर जी का ही ये मंदिर। बच्चों को स्नेह दो, प्रेम दो, क्यों? भगवान ने बच्चे दिया है। बच्चे किसके है? ठाकुर ने तो दिया है ना, इसलिए बच्चे को हम प्यार करते हैं। ये बच्चा बड़ा होकर भगवान का भजन करेगा, ठाकुर जी की ये भक्ति करेगा, इसलिए हम बच्चों को इतने लाड़ लड़ा कर प्यार देते हैं। इसलिए हर चीज को भगवान के साथ में ही जोड़ दो, बस काम हो जाएगा। इतना करना, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? और गले में, इधर सुनो, गले में सबके सब तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। हैं, बोले तुलसी कंठी क्यों पहननी चाहिए? कदी जो तुलसी है, बोले ये वृंदा तुलसी देवी प्रिया केशव, ये भगवान की पटरानी है। और तुलसी को साधारण लकड़ी में समझो, ये सख्यात लक्ष्मी स्वरूपिणी। देखना सालग्राम के तुलसी में शादी होती है, देखे हूँ है, ये लक्ष्मी है। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके भी है। मतलब क्या? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब बन, जहाँ तुलसी में वही पर कृष्ण है। भगवान जब जगत छोड़ कर गए, तुलसी में ही अपना स्वरूप को छोड़ कर गए। और तुलसी में बहुत सारे मेडिसिन है, है? आप दुकान से एक मेडिसिन खरीदी करना, उसका नाम तुलसी पावर है। आप उसको पढ़कर देखना कि पेपर मिलेगा, 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, 200 बीमारी की। अभी रामदेव बाबा जो कोरोना निकला ना, आप पढ़कर देखो, वो तुलसी है, सब तुलसी है। दो दो तुलसी पत्ता खाओगे ना, कभी तुमको टीबी कैंसर नहीं होगी, इतने शक्ति। इसलिए हमारे भारत में जो जो भारत का जो हमारी जो रिवाज, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी जल देते हैं ना, क्यों? उसमें साइंस है, उसमें गंदी बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। जहाँ तुलसी वृक्ष रहो ना, आसपास में कोई गंदी गंदी बैक्टीरिया नहीं आती वहां पर, इतने शक्ति तुलसी में है। इसलिए रामदेव पातंजलि में देख लो, वहां पर तुलसी का जूस बिकती है, उसमें पेपर को पढ़ कर देखो उसमें क्या क्या लाभ है। इसलिए तुलसी में गले में अगर कंठी है, स्नान किया ना, इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, सारी बीमारी तुम्हारी खत्म कर देगी है। इसलिए तुलसी कहीं नहीं करके जो स्नान करते हैं, बोले समस्त तीर्थ में भी स्नान होता है। इसलिए जब महाराज जमदूत को कह रहे हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, मेरे पास में मत लाना। बोले पता कैसे चलेगा? उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे सधवा स्त्री है, हमें कैसे पता चल रहा है तुम सधवा ना विधवा? कैसे पता चलता है? सिंदूर लगाए, मांग भरे, बेसर, मंगल सूत्र, कुछ चिन्ह से पता चलता है ये सदवा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे उसी तरह जो भगवान की भक्त है, वो भी भगवान के लिए कुछ चीज धारण करते हैं। बोले क्या चीज? बोले तीन चीज उनके पास चिन्ह देखोगे, बोले ललाटे, तिलकम, जरूर देखना वो तिलक लगाए होंगे। हम तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं ना, तिलक लगा कर भेजते हैं। घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, जब तिलक नहीं लगेगा पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा तुम्हारी निष्फल हो जाती है। इसमें बड़ी महिमा है। इसलिए हम लोग जो तिलक लगाए ना, देखो इधर
ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में ना ये विष्णु है और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी दल देते है ना, उसका नीचे का भाग देखो, ये तुलसी दल मतलब ठाकुर का चरण में तुलसी दिया है। अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं, गणेश जी को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं, कृष्ण को देखो तिलक है, नारायण का देखोगे तो आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ होगा नारायण का, बोले ठाकुर क्यों तिलक लगाते, भगवान होकर के तिलक की इतने महत्व है, जब भगवान को लगाते हैं फिर हमको लगाने में क्या है, जो ठाकुर जी स्वयं लगाता हमारे प्रभु जी तो हम क्यों तिलक नहीं लगाए, ठीक है ना। सबके सब तिलक लगाना, शास्त्र में बताया बगैर तिलक के सेवा पूजा करने से जो फल मिलेगा उससे करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगा, तिलक लगा कर जब करोगे इतने महिमा सेवा पूजा की है, इसलिए तिलक जरूर लगाए करो और गले में तुलसी की कंठी पहनो। इसलिए जब महाराज एक उदाहरण दे करके जमदूत हो गए थे, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, एक पालतू और एक फालतू। बोले पालतू कैसे पता चलेगा, बोले गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चला किसी घर की कुत्ते हैं, और फालतू बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। अब देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, अगर गले में तुलसी कट्टी हम किसके पालतू हो गए, बांके बिहारी के पालतू हो गए हैं। इसलिए हमें कोई जमदूत हमें नजर नहीं डालेगा। देखो और एक उदाहरण देते हैं, जैसे जिसको ये कामी व्यक्ति जा रहा है, बड़ा कामी व्यक्ति, लेकिन अगर किसी स्त्री को, कोई स्त्री आ रही है मांग में सिंदूर भरी हुई, सिंदूर लगाई, मंगल सूत्र पहनी हुई, हाथ में चूड़ी है, जब कामी व्यक्ति वो स्त्री को देखती है ना, वो देखते ही उसका नजर अपने आप घूम जाती, क्यों, ये किसकी परिणता है, ये किसकी परिणता, किसकी आश्रय में बिना आश्रय की नहीं। उसी तरह ये माया जब जीव को पर दृष्टि डालती है, अगर देखेगा तिलक कंठी है ना, माया अपने आप नजर निगाह को फेर लेगा, क्यों, ये ठाकुर जी की परिणता है, भगवान के आश्रय किया हुआ, भैया यहाँ पर माया के कोई काम नहीं चल, बड़ी महत्व संतों ने बताया, ठीक है ना। गले में तुलसी कंठी तिलक और भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम, बस ये तीन चीज हो ना। एक उदाहरण दिया, जैसे विदेश जाना चाहते हो पासपोर्ट वीजा और टिकट होनी चाहिए, तीन चीज हो गया तब विदेश जा सकते हो। ये पासपोर्ट क्या है, बोले गले में कंठी, बोले वीजा क्या, बोले तिलक, बोले टिकट क्या है, बोले भगवान की नाम, बस तीन चीज हो तो ठाकुर को पास में सीधा चलेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, प्रभु जी की सुंदर भजन गालो। हाँ देखो अभी हम लोगों को माला तो अब सबके पास में है, आपके पास में है बाबा, आपको एक माला दे, आपको पीछे जो पैसे प्रभु जी आपको दो को दो माला दे जाऊंगा, ठीक है, दो माला ले लेना और तुलसी माला से गला तुलसी माला से हाँ गले में तुलसी माला दे दूंगा, ठीक है। तुमको दिया था उसी दिन, नहीं दिया ना, दे दूंगा, ठीक है। तुलसी माला ले लेना और प्याज लहसुन नहीं खाना है, भगवान की भोग लगा कर खाई हो। तुम्हारी बीवी कहाँ गई, इधर बैठी है, बेटी को लेकर बैठी, ठीक है बात। हाँ हम हमेशा के लिए घर में, और मत गुस्सा करो, अब तो थे नहीं, इनकी कथा सुना रहा था, गैया की मांस से प्याज बना हुआ है, हाँ गैया के मांस से बना है। और भागवत में जो कथा आती है ना, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से और राक्षस को जब धोखे से अमृत पी लिया था, जब वो गला काट दिए, जहाँ पर मांस गिरा वहीं पर ही प्याज की पौधा वहीं पर हुई, उनकी हड्डी से लहसुन हुआ, खून से ये मसूर दाल बनी है। इसलिए ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगती है, ठीक है ना। जो ठाकुर जी नहीं खाते हमें भी नहीं खानी चाहिए, और ठाकुर जी को भोग लगा कर कोई भी चीज खाओ ना, भगवान का तो अमृत है, मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, नहीं नहीं खानी चाहिए उसको, वो अच्छी चीज नहीं है। अब लोग देखते ना, एक दो पीढ़ी पहले देखो ना, घर में हिंदू कोई ये सब चीज को नहीं घुसाया करते थे, ये सब मुसलमान लोगों ने लाई सब चीज को, हाँ ये सब मुसलमान लोगों ने, ये सब अंडा प्याज लहसुन शराब यही लोग सब खाते थे, हिंदू लोग नहीं खाते थे, वो तो भगवान की सेवा पूजा भक्ति करने वाले हिंदू लोग है, ठीक है। हाँ शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब कोई पीते हो क्या, कौन पीते ये देखो शराब, शराब अब भागवत पढ़ करके देख लो, हैं अब भागवत पढ़ करके देख लो, अब पंचम स्कंध में वर्णन आती है, मरने के बाद जो शराब पीते हैं, तो भगवान ये मुंह किस लिए दिया है, ठाकुर जी के भजन के लिए ठाकुर ने दिया, हरिनाम के लिए, कभी जी मुंह में तो प्रभु का नाम भजन नहीं किया और गंधी चीज तुमने सेवन किया, ये पंचम स्कंध में आता है, लोहे को गला करके ना उसको मुंह में डालते हैं,
बोलो इतने गंदे काम तुमने किए हो। कोई पिता कभी बच्चे को बोलता है शराबी हो? बोलो कोई बोलता है? नहीं बोलता है, जानता है इस सर्वनाश का कारण है। इसलिए आप जो करेंगे बच्चे तो वही सीखेंगे ना। हम ऐसे काम क्यों करें जो बच्चे को बड़े बुरे असर की पड़े, क्यों करेंगे? इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं शराब पीने से तीन लाभ है। लाभ है? बोले पहला लाभ क्या है? बोले वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा होगा नहीं मतलब, बोले जिंदा रहेगा तभी तो बूढ़ा होगा। वो तो पी पी कर लिवर व्यवर खत्म कर आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले के माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आई, वो 30 साल की दो छोटे बच्चे। मैंने कहा इसका पिताजी कहाँ? बोले मर गया। बोले कैसे? बोले पीते थे, जब पकड़ा गया दोनों लिवर खत्म हो गया था और बचने का कोई चांस नहीं था। हैं? इसलिए दूसरा लाभ किया, बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सारे बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा, नशा इसे। बोले तीसरा लाभ किया, बोले कुत्ते दोस्त बन गए। बोले मतलब कहीं पी पा कर रोड में पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर जाएंगे। इसलिए इसको बहुत गंदी चीज मानी गई सब चीज को हैं। इसलिए पिताजी को ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए जो हमारे बच्चों को पूरे बुरे असर पड़े हैं। अगर आप पियोगे, बच्चा अगर पीना शुरू कर दे, मना कर सकते हो? मना नहीं कर सकते, क्यों? खुद पी रहे हो। इसलिए जो करते हो अब बच्चों को वो बता सकते हो, ठीक है ना? आज से कान पकड़ लो संतों के सामने, आज से कान पकड़ो, आज से ये चीज को हम नहीं पियेंगे। हाँ,